और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमित शाह अडवाणी की सीट गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ से और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में होंगी। लिस्ट में 184 उम्मीदवारों के नाम है। हमारे साथ विक्रांत लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या कुछ खास है लिस्ट में? देखिए, जो दो तीन चीजें बड़ी सामने आ रही हैं, वो पहली बात तो ये कि बीजेपी में एक जो अडवाणी युग कहा जाता था वो अब लगभग खत्म हो गया, क्योंकि इस बार लालकृष्ण अडवाणी ने चुनाव लड़ने से पार्टी से कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इस बार गांधीनगर से उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव मैदान में उतारा गया। अमित शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा प्रधानमंत्री की वाराणसी की सीट का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 28 सीटों का ऐलान किया गया है 80 में से, तो 28 में 6 सांसदों का टिकट कटा है। 6 जो मुख्य सांसद हैं उनमें से रमाशंकर कठेरिया, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका टिकट कटा है आगरा से। इसके अलावा कृष्णा राज, जो शाहजहांपुर की सांसद थी, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका भी टिकट कटा है। तो यानी 28 जो ऐलान किया गया है यूपी में, उनमें 6 सांसदों का टिकट कटा है, और कुल मिलाकर के 184 सांसदों के नाम का आज ऐलान किया गया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में बाकी कुछ नाम भी सामने आएंगे, और ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 20% अपने सांसदों को बदल सकती है, तो लगभग वो सही आंकड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए लगभग पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने सारे सांसदों का टिकट बदलेगी, यानी सारे सांसदों का टिकट कटेगा। आज वहां से 5 सांसदों का ऐलान किया गया है, और बाकी नाम अगले कुछ दिनों में सामने आएंगे। पिछले तीन बार बीजेपी की सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति हो चुकी थी, और ये पहली लिस्ट है जो आज होली के दिन बीजेपी ने जारी की है। जी विक्रांत, बड़े इंतजार के बाद आखिरकार आज लिस्ट आई है, और बिहार के बारे में किस तरह की जानकारी है? देखिए, पार्टी का कहना है कि चर्चा हो रही है, और अगली जो सीईसी होगी उसके बाद जो है नाम जारी कर दिए जाएंगे। बिहार से भी लगभग ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी को, क्योंकि वहां पर 17 सीटों का ऐलान करना है, पार्टी ने जेडीयू के साथ जो गठबंधन किया उसके मुताबिक 17 सीटों पर पार्टी लड़ेगी, तो 17 में से पटना सहित एक बड़ा नाम है जिसमें पार्टी ये कयास लगा रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कटेगा वहां से, और वहां से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम का ऐलान किया जाएगा, तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीट थी, वो सीट चूंकि अब नवादा सीट जो उनकी थी वो चली गई है समझौते के तहत लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में, तो उनकी सीट बदली जाएगी, क्या होगा ये लिस्ट से साफ होगा। जी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।